नमस्कार। आज मैं एक अहम मुद्दे पर बात करने के लिए पहुंचा हूं एक जगह पे। ये मुद्दा आजकल काफी गर्म है। जो मुद्दा है वो है तीन तलाक का। तीन तलाक के मसले पर हम चर्चा करने आए हैं। यहाँ पे हमारे साथ काफी मुस्लिम महिलाएं हैं जो इस पे अपनी राय रखेंगी। अभी क्या सही है, क्या गलत है, उनका उनकी क्या सोच है, इस मसले पर हम इनसे चर्चा करेंगे। तो बातचीत को बढ़ाते हैं और जानते हैं क्या कहना है इनको इस बारे में। तीन तलाक के साथ हैं, इसमें कुछ फेरबदल चाहती हैं या फिर जो चल रहा है वो सही है। हाँ जी, आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप इस बारे में। तीन तलाक का जो मुद्दा है उस पे जो लोग अभी सुनने में आया, कोई गुस्से में आया, किसी भी तरह कुछ बोल के तलाक देकर चला जाता है, औरतों को काफी झेलना पड़ता है इस बारे में, तो आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो बस ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे भैया हमारे तो जितने भी ये हैं पैगम जितने भी नबी से हमारी जो बात चलती चली आ रही है, हम तो वही बात को मानते हैं ठीक है, आप अपने। मानती हैं, लेकिन हाँ कुछ गलतियां भी तो है ना, कुछ लोग जाती भी तो करते हैं ना, उसके बारे में आपकी क्या सोच है? किस तरह होना चाहिए? होना चाहिए ठीक है, ये सही है कि जो हो रहा है, जो चलते आ रहा है, जो परंपरा है, रिवाज है, उसको फॉलो किया जाए, लेकिन उसमें क्या तब्दीली चाहिए, उसमें क्या बेहतरी हो, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, पहला रिवाज मानते हैं हम तो अपना, बस हम नहीं मानेंगे अभी तो दो को तीन को, इसको हम नहीं जानते। उनमें मर्द भी तो, अगर मर्द हाँ खराब है तो कुछ औरतें भी तो खराब है। उन हाँ औरतों के लिए भी तो होना चाहिए, जैसा आदमी करेगा हाँ वैसा उस आदमी के साथ करो। यूँ थोड़ी के सबका लिए ये मजहब बदलना चाहिए, सबके लिए नहीं बदलना चाहिए। जैसा जो आदमी है उसको करो। बहुत सी औरतें ऐसी, आदमी बिल्कुल सही होता है, औरतें खराब होती तो उनके लिए क्या करोगे? अच्छा, जो आदमी आदमी थोड़ी ना होते नहीं खराब। ठीक है, आदमी खराब नहीं होते, हाँ आदमी खराब होते या नहीं होते ये बताइए। ये नहीं, आदमी भी जो हमारे मजहब में आदमी का दर्जा बड़ा बताया, नहीं बड़ा बताया वो ठीक है। आदमी को होना चाहिए कि हम क्या गलत और क्या सही कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम उनके तरीके पे चल रहे हैं और उनकी सुन्नत जिंदा कर रहे हैं और उन्हीं के कहे उन्हीं की बातों पर चलेंगे, और जो हमारा कुरान कह रहा है उस पर हम ता कयामत तक जिंदा। नहीं नहीं ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। औरतों की गलती नहीं होती, फिर भी जो सही तरीका है, आपको आप बताइए कि सही तरीका आपको कुछ पता है कि जो तीन तलाक हम का तो सही तरीका है? बस इस्लाम के पे चलने वाले नहीं, हैं। लेकिन आप क्या जानती हैं, आपको किसी ने बताया कि सही तरीका क्या है? इस्लाम में आदमी का दर्जा बड़ा बताया, अब हमारे यो बताया कि आदमी अगर रात को भी दिन कह रहा तो उसे दिन कहो। नहीं तो ये भी तो गलत है ना, दिन है? को दिन कहो, रात को वो रात कहो, हमारे तो हदीस में गलत नहीं है, हमारे हदीस में नहीं, गलत नहीं, नहीं, नहीं है। नहीं फिर आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? जी हम तो यही कहना चाहेंगे, जैसा हमारा चलता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वैसे ही आगे तक चलता रहे। लेकिन दम तक जो आप कुछ सलाह देना चाहेंगे जो मर्द ऐसे हैं या जो औरतें ऐसे जो गलत करते हैं, जो गलत हर चीज, देखिए हर चीज का सही और गलत इस्तेमाल होता है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? होता कुछ है, लोग हैं लेकिन ऐसे जो गलती करते हैं इस पे, तो उनको नहीं तो जो कुछ होगा वो अपना नहीं तो वे अपने लिए, लेकिन हमारे में आदमी को बहुत वो दर्जा बहुत बड़ा मानते हैं। अच्छा ठीक है, अभी जो कोर्ट में मामला चल रहा है, सरकार चाह रही है कि इसमें बदलाव आए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बताओ उसमें कैसे बदलाव आ जाएगा? अभी चर्चा चल रही है, आप क्या चाह रही हैं? नहीं, नहीं हमारा तो यही है, यही चलेगा, ये और दूसरा बदलाव नहीं हमारे दिल से, जो जैसे पहले से चलता आ रहा है ना तो वैसे। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि ठीक है पहले से चला आ रहा है, हर चीज में टाइम के बाद बदलती है, चीजें बदलती है ना, तो कुछ गलतियां भी होती है, खामियां होती हैं, तो उसको दुरुस्त करने के लिए। हाँ भाई हमारे बदलने के लिए, हमारे बहुत मौला मौलवी बड़े हुए हैं, बदलने के लिए बड़े, हमें इस चीज की जरूरत नहीं है कि भाई कोई और बदले, हम अपने मसले को अपने आप बदल लेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो बदलाव है वो सरकार ना करे, हमारे जो मौलवी हैं जो वो करें? जी बिल्कुल, हमारे जो बड़े आलिम हैं वो खुद करें, हम अपने आप देख लेंगे इस मसले को, ऐसी बात नहीं है कि भाई हमारा कोई नहीं है करने वाला। प्लीज आप बारी बारी से बोलिए। अच्छा आप बताइए, अगर किसी औरत की गलती है तो ठीक है उसको तलाक दे दिया, अगर किसी कोई मर्द गलती करता है तो औरत तो तीन तलाक नहीं दे सकती ना, फिर उस पर क्या किया जाए? उसको सजा दो ना, कोर्ट के जरिए सजा दो उसको, कुछ भी करो, कैद करो, कुछ करो, वो तो सजा दो ना आदमी को। तो कोर्ट कौन कौन सा कोर्ट सजा देगा? कौन कोई भी तो सजा दो उसको, जो जुल्म देना उसको वो दो, लेकिन ऐसा कोई नहीं है ना जो हमारी तीन तलाक को बदला जाएगा। सब मर्द एक से नहीं है, तो जो मर्द गलत है उसको गलत को सजा दो, जो औरत है गलत उसको गलत को, औरत भी तो गलत है। नहीं उसका नहीं पैसा मांगे। अच्छा ठीक, मांगेगी वो तो निभा के चलेगी, जो अच्छी औरत होंगी नेक होंगी वो नहीं तलाक मांगेगी। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि जो औरत
औरत है वो दब के चले, चाहे वो मर्द गलत भी करे उसको भी मान के चले। ऐसा तो नहीं है कि भाई दब के चले, सब अपना अपना जानते हैं कि आप मर्द के लिए क्या हो। अच्छा बहुत से ऐसे नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। अच्छा ये बताइए कि कुछ औरतें हैं ऐसी, अभी ये बताइए मेरे को कि कुछ हैं ऐसे जो गलत करते हैं और मरते ना मर्द गलत करता है और औरत को सहना पड़ता है। अच्छा ये फोन पे 3 तलाक देना ये कितना जायज है कि कोई दूर है फोन पे ही तलाक दे दे, ये क्या मानते हैं? पहली बात तो हमारे मजहब में इतना नहीं है कि जो तलाक कोई फोन पे दे रहा है उसे ही मान रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो आप भी सुन रही होंगी कितनी ऐसी खबरें आई हैं। ये तो हम खबर सुन रहे हैं, वो तो एक अफवाह बनाने वाली है, कोर्ट में खचेड़ दिया, वहां खचेड़ दिया। नहीं तो ये भी है कि किसी ने मौलवी को वो मैसेज कर दिया कि मैं तलाक दे रहा हूं तो वो जायज हो गया? वो जायज नहीं, वो जायज नहीं, वो जायज नहीं है, सामने कर रहा है। अच्छा आप बताइए प्रोसेस क्या है और किस तरीके से जायज होना चाहिए और किस तरीके से ना जायज होना चाहिए? तो जैसा मौलाना बैठे हैं वो आमने सामने बैठ के जैसे करवाएंगे फैसला वो होगा डिस्कस हो जाएगा। अच्छा कोई औरत है उस पे जुल्म हो रहा है, ठीक है, उसको परेशान किया जा रहा है, तो अगर वो उसको तलाक लेना है तो वो क्या करेगी फिर? औरतों को तो हक नहीं है तलाक लेने का, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए मतलब बैठा के मौलाना साहब को, वो खुद ही रहना नहीं चाहती हो तो जब होना चाहिए उसमें कोर्ट की बात जो खचेड़ रहे हैं क्यों खचेड़ रहे हैं? तो उसमें ऐसा क्या है आपके उसमें मौलवी क्या कर सकते हैं या फिर जो समाज में है वो क्या है? फैसला करेंगे पहली बात तो रखने का ही वो करेंगे। हाँ भी फैसला इसी पर रहेगा, घर में यही रहेगा। तो आप लोग जो कोर्ट की दखलंदाजी है और सरकार जो इसमें बदलने की कोशिश, मतलब सरकार जो कोर्ट में मामला चल रहा है उसके खिलाफ है? वो सरकार क्या करेगी औरत के लिए? अगर सरकार कोर्ट से करेगी तो क्या करेगी औरत के लिए? अच्छा उन हम तो उसके खिलाफ है। अच्छा उन औरतों के लिए क्या है ऐसा कुछ बनाएगा जो जो झेल झेल रही है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ औरत में कमी होती है, आदमी की तो कमी बढ़ा देती है, कुछ औरतें भी ऐसी है बाहर निकलने के मारा आदमी की ज्यादा बढ़ा देती है बातें। मतलब आप औरत हैं, औरत के दर्द को तो समझती होंगी ना, तो उसके बारे में तो कुछ ख्याल करिए, मतलब बराबरी का हक हो ना। हाँ बराबरी का हक होता तो फिर बराबरी का हक हो तो फिर मर्द को कहाँ है तलाक का, वो नहीं है ना? वो सही होगा वो तलाक। अच्छा अम्मा आप कुछ कह रही हैं? अच्छा पहले तो कोई भी धर्म हो शादी जब होती है तो यही होता है कि आदमी जिंदगी भर निभाए, यही ना? बेशक ये मामला फिर तलाक का आता है तो तलाक इसलिए है कि मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम हो, कोई औरत खराब है या मर्द खराब है, तो उसमें बराबरी का हक होना चाहिए ना, जितना हक तलाक देने का पुरुषों का है महिलाओं का भी तो कुछ हक होना चाहिए। बेशक तो अभी वो निभा कर चलेगी, मतलब सिर्फ औरत निभाए मर्द ना निभाए? मर्द भी निभाएगा औरत भी निभाएगी। तो अब मर्द गलत करता है तो फिर क्या करे? उसको समझाओ। अच्छा आप हाँ किसको कैसे सजा मिलेगी? आप ऐसा कोई मर्द बताइए आपके जो गलती करेगा उसे कोर्ट सजा देगी। हाँ तो अभी कोर्ट ही तो जब ये फैसला अगर जो मामला चल रहा है उसमें ये कहा जा रहा है दीन के मामले को कोर्ट में ना घसीटा जाए, दीन का मामला तो हमारे मौलाना लोग जो वे उसको अपने आप सुन लेंगे। नहीं तो ये मामला इसलिए भी चल रहा है, देखिए मामला इसलिए भी चल रहा है कि जो लोग हैं इनका ये मानना है कि कोई लोग फोन पे ही लेटर से किसी भी तरह के तलाक दे देते हैं तो इसको ये जायज नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है तो इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को कोई अधिकार नहीं हमारे मजहब के बारे में, ये तलाक का जो फैसला हो रहा है ना इनका कोई नहीं है। आदमी जो तलाक देता है वो किसी वजह पे देता है, बहुत सी औरतें होती है वो अपने आप करना चाहती है, आदमी बहुत हरामी होते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, सरकार जो बना सुनो हाँ, सही बोल रहे हो, एक चीज बताओ ऐसा कुछ नहीं है, ये मानते हो ना कि गलती दोनों तरफ से होती है? गलती दोनों तरफ से होती है, जब भी तलाक होता है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अभी कुछ मर्द ऐसे भी हैं जिनकी गलती है, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ क्या किया? वो तो आपस की हेडिंग होगी, मतलब वो अपने आप बैठ के फैसला करेंगे अपने घर वालों से किसी से भी, अगर दोनों मर्द या औरत की बातचीत बैठ के करी जाएगी वो क्या चाहते हैं, जैसे कि औरत चाहेगी तो हो जाएगा, आदमी चाहेगा नहीं होगा, बाकी ऐसा नहीं होगा। जैसे कि आप चाह रहे हैं कि हमने 3 तलाक और ना हुए, 1 तलाक 2 तलाक तीसरे तलाक पे नौबत ना है, तो मर्द की भी गलती है तो औरत को हक नहीं है कि वो तलाक दे सके, तो उस पे तुम्हारी अपनी राय क्या है, क्या बता बोलना चाहोगे? औरत को तो तलाक देना आया नहीं है, बस आदमी ही देता है, बाकी ये 3 तलाक का मसला चल रहा है, आदमी एकदम ऐसे नहीं दे सकता। जो कोर्ट जो चाह रहा है
एक तलाक में जैसे मामला खत्म हो जाए ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा हदीस में मामला जो आया हुआ है लिखा हुआ है, औरत भी उसी उस पर अमल करेगी और आदमी भी उसी में अमल करेगा। तो ये है ना, जो इस बात को नहीं समझेगा ना वो ईमान से खारिज है। नहीं तो लेकिन ऐसे होते हैं कि शिया औरतें मीडिया में दिखाते बोले ऐसा चाह रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, औरतें नहीं चाह रही हैं, लेकिन जिस पे जुल्म हो रहा है, जिसके तुम मानते हो ना इस चीज को कि कहीं ना कहीं गलती होती है, गलती कहीं उसके लिए क्या कानून बनाया जाए? मतलब अगर बाहर ठीक है सरकार ना आए, कोई और ना आए, लेकिन जो जो मजहब में है अंदर वाले लोग है, जो मौलवी है, वो इसके लिए कैसे क्या कर सकते हैं? वो तो कानून को कोई नहीं है, वो हम आपस में ही कर सकते हैं जैसे भी कुछ करेंगे। हमारा हदीस में जो लिखा हुआ है, जो जायज है या नाजायज है, हम उसी पे ही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कानून सरकार अपना कानून बन रहा है। हमारे दीनी मामले में कानून को या सरकार को कोई अधिकार नहीं है लेकिन हमारे मजहब में। अच्छा ठीक है, किसी को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कहीं मसला उठा होगा, कहीं कोई परेशानी आई होगी, तभी तो ये बात चल रही है ना, चल रही है। ये ऐसा नहीं है, मतलब सरकार को, हमारा मतलब ये है सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं करे हमारे मजहब में। अच्छा, चाहते हो कि सरकार दखलंदाजी ना करे, ठीक है। तो ये कुछ औरतें अपनी तरफ से भी करती हैं, बहुत सारी औरतें हमने सुनने में आ रहा है, औरतें कह रही हैं इस कानून को औरतें जा रही हैं, ऐसा होना ऐसा होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी और सभी आदमी या सभी औरतें एक जैसी नहीं होती। अब मान लगे कल कोई खड़ा होने लगे, वो कहने लगे हमारा नहीं ऐसा होना, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा नहीं। अच्छा ठीक है, सभी आदमी और सभी औरतें एक जैसी नहीं होती। अभी आप ये मानते हैं ना मर्द भी गलत हो सकता है जी, तो अगर मर्द गलती करे तो उसके लिए क्या ऐसा कानून ना बने की औरत भी तलाक दे? फिर देना हक दो बराबरी को होना चाहिए, बराबर का होता है दोनों। तो फिर लेकिन ऐसा इस अभी आप बताइए क्या है तलाक का, क्या है मतलब किस तरह से औरतों का हक है तलाक देने का? बिल्कुल है, किसी का ना, ये आदमी गलत हो, काम नहीं करता हो, सबाब जुरा वो जुआरी हो, कबाबी हो, काम नहीं करता हो, मार पीट रखता हो, घर में क्लेश रखता हो, तो उसका हक पूरा है। जिंदगी दोनों को बसर करनी है अपने साथ, उसका फर्ज बनता है, उसका फर्ज बनता है अपने घर को जिम्मेदारी का करने का। और जो नहीं निभा रहा है और लड़ झगड़ के और गलत तरीके से वो तलाक दे रहा है, उसपे क्या कार्रवाई? उसमें 3 महीने का, पहले तलाक पे 3 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर जो दोनों में समझौता होता है तो फिर दोबारा अपने ग्रहण साइन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सरकार या कोर्ट में मामला चल रहा है, इस पे आपकी अपनी क्या राय है, क्या होना चाहिए या कोर्ट में नहीं होना चाहिए? राय तो जी ये है कि जो हमारा दीन इस्लाम है वो बिल्कुल सोच समझ के फैसला करता है, ठीक है। अच्छा। इस चीज की इतनी जानकारी हमें नहीं है, हमें आलिमों की हमारी, लेकिन जो जो एक अपनी राय होती है, आप ये मानते हैं कि मर्द भी गलत होता है, ऐसी सोच तो होनी चाहिए जी। अभी औरत खुद ये नहीं कह पा रही है, वो औरत को दबा के रखना ये भी तो गलत है ना। पूरी तरीके से गलत, जितना हक हमारा है इतने हमारी औरतों का हक है। लेकिन जो दबाया जाता है उसी को ठीक करने के लिए, हो सकता है कि सरकार उसको बराबरी का हक दिलाने के लिए कुछ कर रही हो? हाँ बिल्कुल, हो सकता है, हो सकता है ना। फर्ज दोनों का बराबर होता है, घर में हुकूक होते हैं दोनों के, मियां बीवी के, कि आपस में दोनों मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहें, और जिसका जो फर्ज है वो फर्ज निभाए। आदमी का काम है अपने घर में जिम्मेदारी उठाना, बच्चों की हर किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। इस वक्त 3 तलाक के मुद्दे पे जो जानकार हैं, जरा पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मोहम्मद तहसीन कासमी। 3 तलाक के मुद्दे पर ये अपनी राय रखेंगे, ये जो बहस चल रही है ये बहस की वजह क्या है? देखो, जो 3 तलाक का जो मसला है ये हमारा एक शरीय मसला है। पहली बात तो असल जो धार्मिक आइन की आइनी जो हमारा मजहब, यानी हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमें यह हक हासिल है कि हम अपने मजहब के मुताबिक उसके अकॉर्डिंग हम अपने मजहब पर अमल कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। और जो 3 तलाक का जो मसला है, सही तरीके से बाद मुसलमानों को इसके बारे में इल्म नहीं है। देखो, 3 तलाक अगर देंगे तो वो मानी भी जाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ के अंदर ये रिवायत दर्ज है और नसाई शरीफ की भी रिवायत है कि अगर 3 तलाक दोगे तो तलाक तो वाकई हो जाएगी, मगर आखिर इसका क्या है, इसका अल्लाह के नबी ने गुस्सा इजहार किया है। जो तरीका है मजहब इस्लाम में तलाक देने का, वो सही तरीके मुसलमानों को मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो इस पर हमारे जो गैर मुस्लिम भाई है उस पर बात ना करते। अच्छा ठीक है, मालूम नहीं है तो ये मसला नया तो नहीं है, पहले से ये इशू उठता आ रहा है जी। तो अभी जैसे आप जैसे लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो कर क्या रहे हैं कि लोग समझे? और ये जो जो ज्यादा जानकार नहीं है, अभी ऐसे भी इश्यूज आते हैं कि कोई फोन पर या किसी भी तरह जो मर्द जाती है वो एक तरह से जाती कर रहा है औरतों पे। 3 तलाक का जो यूज है वो गलत तरीके से हो रहा है। मेरे भाई, 3 तलाक का कोई यूज है बिल्कुल भी जुल्म नहीं है। वजह क्या है? देखो, तलाक जो है हमारे रब ने बिल्कुल एक मजबूरी के, तलाक जो है कोई खुशी की एक टॉफी नहीं है जो प्यार मोहब्बत में दे दी जाती है, वो एक मजबूरी के तहत रखी गई है। और वो मजबूरी क्या है? देखो, आप इसे सपोज करो,
आप समझो, मिसाल के तौर पर मेरी बीवी मुझे बहुत गलत मिल जाती है, तो ये मजबूरी में, मजबूरी के तहत हमें क्या है, तलाक देनी पड़ती है, मजबूरी के तहत तलाक देनी पड़ती है। हाँ। तो ये मजहब ने एक तो औरत पर जुल्म नहीं किया, बल्कि इसी तरह औरत को भी हक हासिल है। अगर उसका मर्द अय्याश किस्म का बुरा मिल जाता है तो औरत को इतना ही इख्तियार है कि वो भी अपने शौहर को तलाक दे सकती है, उसे हमारे यहाँ पर खुला कहा जाता है। तो कोई जुल्म नहीं है, तो मजबूरी के तहत, ताकि अगर उसकी बीवी बुरी मिल गई, बद किरदार है, तवाइफ रंडी किस्म की औरत है, तो फिर क्या पूरी जिंदगी क्या है, वो नौर जिंदा से रह सकती है, नंबर जिंदा रह सकता है। तो एक मजबूरी के तहत तलाक रखी गई है और तलाक मजबूरी का नाम है, और इसके अलावा कुछ नहीं है मजहब में। तो ये आप सवाल तो औरतों पे बहुत उठा रहे हैं, ये गलती मर्द भी गलत हो सकता है। हाँ, मर्द उसके लिए क्या तो हमारी माँ बहनों में ये मैं मैसेज पहुंचा रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ, जहाँ तक मैं ये बात पहुंचाई जा रही है कि हमारी माँ बहनें, यहाँ 17 हकूक है औरत के मर्द पर। अगर उसके मुंह में से बदबू भी आ रही है तो औरत जब भी खुला ले सकती है, वो अपना केस डाल सकती है हमारे मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अंदर, और केस डालकर उसे काजी और हाकिम उसके अंदर खुला करा देगा, यानी तलाक करा देगा। तो हमारी बहनों को भी इतनी इजाजत है, ऐसा नहीं हमारे मजहब के अंदर जो औरत को दबाया गया हो, बल्कि बराबर की टक्कर दी गई है, बराबर की टक्कर दी गई, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी हमारे मजहब में। नहीं ठीक है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। अभी जब मैं आप थोड़ी देर पहले यहाँ पे बात कर रहा था, तो औरतों जो औरत है उनका खुद मानना है कि मर्द ऊपर है, मर्द का ओहदा ज्यादा है, वो जो मर्द जैसा कहे वो करे, तो इनको आप क्या सलाह इसके लिए क्या कर रहे हैं कि औरतों को समझाया जाए? नहीं देखो मेरे भाई, मैं यहाँ पर मैं खुद कई मस्जिद में जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ अपने माओ बहनों को। मैं अभी गाँव में गया था, असारा गाँव में, मैंने वहाँ पर भी समझाया। तो असल ये वजह क्या है, इसमें दीन की वाकफियत ना होने की वजह से हमारे भाइयों को पता नहीं रहा। और देखो तीन तलाक का जो मुद्दा है, हमारे मजहब ने, हमारे भाइयों ने बहुत अच्छी बात की है कि हमारे मुसलमानों को बेदार किया ताकि वो लोग जाने, और इसे जानेंगे अब मालूम होगा सब लोगों को तलाक का सही तरीका क्या है। मैंने अपने गाँव के अंदर बताया कि तलाक का सही तरीका ये है। अच्छा, मैं आपसे एक बार गुजारिश करूंगा कि आप जो पूरा प्रोसेस है कि फाइनली पहले एक तलाक, फिर दो तलाक, फिर तीन तलाक, पहले तो ये किस सिचुएशन में हो सकता है, और उसके बाद ये प्रोसेस पूरा क्या है, वो विस्तार से अगर समझाएं आप। देखो मेरे भाई, तलाक जो है एक मजबूरी के तहत रखी है, किस तरह अंदाज में। अब मिसाल के तौर पर मैं दूसरों को सपोज करूँ, अगर मेरी बीवी मुझे बुरी मिल गई और ऐसी मिल गई कि मेरी जिंदगी मैं मर सकता हूँ, खुदकुशी कर सकता हूँ, तो अब मजहब इस्लाम ने ये तरीका दिया है कि आप क्या करें, आप ये करें कि उससे नाराज होकर बिस्तर अलग कर ले, नाराज हो जाए, थोड़ा सा बोलना छोड़ दे, और उनके जो रिश्तेदार है या मिलने जुलने वाले, वो उन्हें समझाए, समझाते रहे, काफी दिन गुजर जाए, जब उनकी बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर सिर्फ फकत ओनली एक तलाक देकर छोड़ दे 3 महीने तक, और 3 महीने के बाद वो औरत उससे अलग हो जाएगी, उसका निकाह टूट जाएगा। उसका बेनिफिट, फायदा ये होगा कि अगर उनके समझाने से, दूसरों के समझाने से प्यार मोहब्बत हो जाए उनके दिलों के अंदर, तो फिर वो दोबारा निकाह कर सकता है और उसको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। असल क्या है कि हम लोग जाना नहीं है मजहब इस्लाम को सही तरीके से, ये तरीका है, एक तलाक दे दिया और फिर उसके बाद मौका है, उसके बाद कोई परेशानी कई साल के बाद आई, फिर एक तलाक दे दिया, जिसे कुरान में कहा तलाक उमर रहता है, अब 2 मरतबा तलाक हो गई है। तो ये इस अंदाज में समझाया गया, ये तरीका है तलाक देने का। अब उन लोगों ने इस तरीके को फॉलो नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, तो ये गलती हम लोगों की हो सकती है कि मजहब इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अच्छी तरीके का पूरा समझाया गया है और पूरा मजहब सही तरीके बताया गया है कि क्या तरीका है मजहब इस्लाम का, और हम लोग समझ नहीं पाए ना समझा पाए हैं। तो जो जो वो प्रोसेस है, टाइम लगता है, पहले एक तलाक दो, फिर दो तलाक दो, फिर तीन तलाक दो, लेकिन ऐसे भी हैं जो एक तीन तलाक 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 बोलते हैं और बोलते हैं कि तलाक हो गया, इस पर आप क्या अपनी? ये मेरी राय नहीं बल्कि बुखारी शरीफ के अंदर ये बात दर्ज है। अभी हमारे दारुल उलूम के मोहतमी मौला आसिम साहब नौमानी दामत बरकात उन्होंने का बयान आया इनकलाब में 4 दिन पहले, वो ये फरमा रहे थे कि नसाई शरीफ के अंदर भी रिवायत है कि अल्लाह के नबी जो आदमी 3 तलाक़ एक बार देता है तो अल्लाह के नबी ने नाराजगी का इजहार किया है। नाराजगी तो थी है कि वो नापसंदीदा है अमल, ये दुरुस्त नहीं है, मगर जब दोगा तो लग जाएगी, हो जाएगी, ये वो अगर दे दिया तो हो जाएगी। मगर ये अच्छा तरीका नहीं है, ये मजहब इस्लाम के अकॉर्डिंग जो हमारा सही हमारा जो मजहब बतलाता है उसके मुताबिक सही अमल नहीं है ये। तो जो ये सही अमल नहीं है तो उसको सही तरीके से कहा है, उन्होंने ये कहा कि इनके मिल्लत के रहनुमा कौमी रहनुमा आगे आए और वो इन्हें समझाए, और ये कौमी मजहबी मसला है, कोई मुआशी या मुआशरती मसला नहीं है, तो दीन से जुड़ा हुआ हमारा मसला है। हमारे पर जो प्रधानमंत्री साहब, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जो मजहब के जो रहनुमा है और कौम के जो रहनुमा है वो आगे आए और वो बाहर निकल कर सड़कों पर आकर वो उन्हें समझाए, ये उनकी गलती है। अच्छा, ये आप मर्दों के बारे में बोल रहे थे कि उनका ये तरीका है, ये प्रोसेस है, सेम
है ना हमारी बच्ची हमारी बेटी, अगर उसे उसका शोर अय्याश है, उसे जुल्म करता है, उसे परेशान करता है, तो वो वहाँ पर जाए और अपनी दरख्वास्त डाले तो काजी हाकिम उसे कुछ ही दिनों के अंदर वो उसके खुला करा देगा। इसे खुला कहा जाता है, ये भी तलाक की एक किस्म एक शक्ल है, वो अलहदा करा देगा। औरतों को तीन तलाक देने का हक नहीं? नहीं, जब वो निकाह से खुला ये तलाक बाइन पड़ जाती है, बाइन का मतलब है कि निकाह से एकदम कट जाएगा मामला, वो खुद अलग हो जाएगी। तो अगर मर्द ना चाहे तो क्या? उसमें मर्द चाहे या ना चाहे उसकी कोई मसला नहीं है, वो तो मर्द को खुद उसे भी इतने बराबर की टक्कर दी है। जैसे अगर मर्द परेशान करता है, जालिम है या उस पर परेशान कर रहा है, तो वो औरत जाए वहां पर काजी डाले तो काजी समझाएगा, अगर बात बन जाती नहीं तो फिर उसका उनके अंदर खुला करा देगा। ठीक है, अभी कोई आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा इस मसले पे? अच्छा ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं तीन तलाक ये सही तरीका नहीं है कि कोई भी मर्द अपनी बीवी को सिर्फ तलाक 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 बोल दे और वो तलाक हो जाए। हो जाता है, ये जो बता रहे हैं हो जाता है, लेकिन ये तरीका गलत है। तो इस तरीके इसको सुधारने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए ऐसा कुछ और भी तो कानून बनाया जा सकते हैं कि कोई मर्द समझे कि अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका क्या है? उसका एक सलूशन, एक हल है कि हम उसका, हमारे जो जितने भी मुसलमान भाई हैं और हमारे जो भी हमारे वतनी भाई हैं, वो सब भी उसका बायकॉट करें, उसका बिल्कुल बायकॉट कर दे, उससे मिलना जुलना और उसके घर आना जाना और उससे दोस्त आना ताल्लुक सब बिल्कुल खत्म कर दे। उसका बिल्कुल समाजी बिल्कुल बायकॉट होना चाहिए ऐसे ऐसे आदमी का, जो आदमी तीन तलाक एक बार की देता है, उसका बिल्कुल समाजी बायकॉट हो और उसे बिल्कुल अलहदा कर दिया जाए समाज से। ये उसका हल है, उसका सलूशन है। तो ये मांग तो ये भी है ना एक, कि जो ये प्रोसेस है, कह रहे कि अगर कोई ना चाहते हुए भी कोई मर्द तलाक 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 बोलता है, आप कह रहे जैसा कि वो हो जाता है जी जी, तो औरत तो फंस गई यहाँ पे, तो क्या ऐसा कुछ बदलाव नहीं हो सकता कि जो ये मर्द ऐसा करते हैं वो कुछ वैसे नहीं बोल सकते, आप तीन वो प्रोसेस के जरिए है जाए, एक ही बार में तलाक 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 तीन बार ना बोले? तो इसमें अगर कोई सरकार चेंजेस चाहती है, अगर कोर्ट चेंजेस चाहती है, तो क्या आपस में मौलवी लोग बैठ के इस पे कुछ कर नहीं सकते? नहीं, देखो जो धर्म इसमें अगर पूरी दुनिया के आलम भी मिल जाए तो वो बदल नहीं सकते, क्योंकि मुफ्ती या मौलवी ये कोई हमारे इनका मुफ्ती और मौलवी का कानून नहीं है, ये अल्लाह और उसके रसूल का कानून है। ये अल्लाह और उसके रसूल के कानून में अपना ये कानून उनका बता सकते हैं, बना नहीं सकते। ये कानून साज नहीं है, कानून दाह है, कानून बताने वाले हैं, कानून बना नहीं सकते। ये मौलवी हो या मुफ्ती हो या पूरी दुनिया के हजरत जी हो, वो कानून बना नहीं सकते। ठीक है, बना नहीं सकते, लेकिन जो बाकी जो मौलवी है जैसे आप जैसे लोग है, उनकी जिम्मेदारी तो है ना कि इसको बेहतर तरीके से, उनकी बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो उसका, और जो औरतों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जाती हो रही है, उस पे उसको कमी लाया जा सके, उनके लिए बेहतर हो सके, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना? नहीं देखो, ये तो जो भी हरी ईमान वाला है, मेरी बहनें हैं या मेरा भाई है, सबकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके को सीखे, उन्हें सीखना चाहिए। क्योंकि जो आदमी कलमा पढ़ लेता, कलमा पढ़ने के बाद उसे पूरा मजहब इस्लाम समझना सीखना उसके पर वाजिब और लाजिम और जरूरी है, वो समझे इसे। और जो हमारे जो जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि ये इनका मजहबी मसला है और वो सब लोग इनके जो आलिम लोग हैं वो बाहर निकले और वो समझाए, जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने बात कही वो बिल्कुल सही बात कही है, ये मजहबी मसला है हमारा। ठीक है, मजहबी मसला है, लेकिन कई ऐसे मुस्लिम कंट्रीज है जहाँ पे तीन तलाक बैन है, तो फिर इंडिया में क्यों नहीं? लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि बाकी देशों में बहुत जगह जहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज है बिल्कुल, वहाँ शरिया का कानून लागू है, वहाँ पे भी ये बैन है। अब कौन कौन से मुल्क में, अभी तो इसकी जो पूरा खुलासा है अभी तो ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं आई है कि कौन कौन से मुल्क है, किस अंदाज में वहाँ पर जो तीन तलाकों का मना हुआ है, तो उसके तो अभी सही बात तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं आई है अभी। अच्छा, सामने आप ये बात तो मानते हैं ना कि चलिए ये जो मसला दबा हुआ था, लोगों को ज्यादा पता नहीं था, विवाद के जरिए ही सही ये बाहर आने से चर्चा, इस पे चर्चा शुरू हुई है और लोगों को बेहतर तरीके से बताया जा रहा है। तो अभी आप जैसे यहाँ पे हैं, आप कहीं ऐसा कुछ और कोई वाकया बताएंगे कि अब इस पे बेहतर तरीके से लोगों को जानकारी देने के लिए और लोगों को कि भाई तुम्हारा भी हक इतना है, मर्द लोगों को ऐसा ना करो, क्या आप मतलब सलाह देना चाहेंगे दूसरे जो मौलवी हैं और आप जैसे जो जानकार लोग हैं? मैं इसके लिए अपने भाइयों को और जो सब दीनदार हैं उन्हें मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ कि वो निकले, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी मस्जिद में भी अमल जारी कर रखा है, मैं मगरिब और फजर की नमाज दूसरी मस्जिद में पढ़ता हूँ और मैं जाकर मैं उन्हें जानने वालों को समझाता हूँ, तरीका ये है मजहब इस्लामी से, इसे फॉलो करो, इसे इस्तेमाल करो, कि पहले नाराज हो जाओ, अगर वो
بڑی مجبوری کے ساتھ ہے. پہلے بات تو طلاق دینی نہیں چاہیے, اور اگر کوئی مجبوری شدید ہے جو میں نے ذکر کیا ابھی کہ اگر بیوی بدچلن ہے اتنی بری ہے اور کیونکہ چاہے تو وہ مرد مرے گا یا عورت پھانسی کھا کر مرے گی, اس سے الگ راستہ مذہب نے نکال دیا ہے تاکہ تم پیار سے ایک طلاق دے کر چھوڑ دو. پہلے اس سے ناراض ہو جاؤ, ناراضی سے بات نہیں بنتی تو پھر اسے بستر علیحدہ کر لو, یہ بھی بات نہیں بنتی تو اس کے جو اس کے گھر والے ہیں یا اس کے رشتے دار ہیں اسے سمجھائے, اور اس کے بعد بات نہیں بنتی مجبوری میں صرف ایک طلاق دے, مجبوری میں ایک طلاق دے. اس میں سب سے بڑا بینیفٹ اور فائدہ یہ ہے کہ تین مہینے کے بعد اگر اللہ کرے ان کے اندر پیار محبت پیدا ہو جاتی ہے, ملنا جلنا ہو جاتا ہے, تو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ان کے مل وہ واپس تین مہینے کے اندر اگر اسے گلے مل جاتا ہے, اس کی بیوی رہے گی, کچھ بھی رجوع کر لیتا تھا اعلان کر دے گا میری بیوی ہے تو وہ بیوی رہے گی, اس کا فائدہ یہ رہے گا. تو مذہب اسلام میں جو صحیح طریقے سے ہم لوگوں نے فالو نہیں کیا, یہ غلطی ہماری ہے. مذہب الحمدللہ مکمل ہے, اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے پورا ہے, کامل ہے. ہم لوگوں نے سمجھا نہیں ہے یا ہمارے سمجھانے میں کچھ فرق ہوا ہے, یہ ہماری غلطی ہے. تین طلاق کا جو مسئلہ ہے بالکل یہ ہمارے مذہب کے مطابق ہے, اور اس میں جو ہم نے سمجھانے اور سمجھنے میں غلطی کی ہے, یہ غلطی دور ہونی چاہیے, صرف یہ ہے ہمارا میسج. تو آپ جیسا کہ سن رہے تھے, مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پائے ہیں تین طلاق کو بہتر طریقے سے, اس کا استعمال غلط ہو رہا ہے. غلط ہے نہیں لیکن غلط استعمال ہو رہا ہے. جہاں تک کورٹ میں اور سرکار دوارا دخل اندازی کی بات ہے, اس کو یہ نہیں مانتے کہ نہیں یہ ہمارا آپس مذہبی معاملہ ہے, اس کو ہم اپنے طریقے سے بہتر طریقے سے سلجھا سکتے ہیں.